नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईटीआई मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामावतार जाट, एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और चलो चल के देखते हैं आज का क्या टॉपिक है और क्या वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ जिसका नाम है एम्पेयर मीटर। दोस्तों, जैसा कि ये मीटर आपने कई बार देखा होगा, किस काम में आता है, कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से ना करते हुए शॉर्टली रूप में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जैसे ही अपने मेजर इंस्ट्रूमेंट आएंगे वहाँ पर इसकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, एम्पियर मीटर होती है उसमें केवल दो कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद सबसे पहले अपने को करंट नापने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपने पकड़ में कैसा आएगा कि ये एम्पियर मीटर है या कोई दूसरा मीटर है। दोस्तों, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ए, जिस मीटर में ए लिखा हुआ होता है इसका मतलब है वो एम्पियर मीटर है। कौन सा है? जो ये सामने बिल्कुल अपने को दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों, दो प्रकार के अपने एम्पियर मीटर आते हैं। पहला एम्पियर मीटर आता है मूविंग कॉयल और दूसरा आता है मूविंग आयरन टाइप। मूविंग कॉयल मीटर आते हैं वो कहाँ पर उपयोग में लेते हैं? वो केवल अपन डीसी सप्लाई में उपयोग लेते हैं। जो मूविंग आयरन मीटर होते हैं उनका अपन क्या उपयोग करते हैं? उनका एसी और डीसी दोनों धाराओं में करंट नापने के लिए अपन उपयोग में करते हैं। कैसे देखेंगे कि ये मूविंग कोयल है या मूविंग आयरन? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें अपने को होगी, जैसा कि मैं इस मीटर में बता रहा हूँ। देखिए, जो ये चिन्ह दिख रहा है बिल्कुल कोयल नुमा बन के मेरी अंगुली के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल है मूविंग आयरन मीटर का। कौन सा मीटर का? मूविंग आयरन मीटर का। इसका मतलब ये कौन सी धारा पे अपन काम में ले सकते हैं? एसी और डीसी पे। दूसरा, इसके पास में दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक तो डीसी सप्लाई का चिन्ह है और एक एसी सप्लाई का है। इससे भी अपने को प्रतीत होता है कि अपन कौन सी सप्लाई के लिए अपन इसका उपयोग करने जा रहे हैं। दूसरा, इसके पास में एक और चिन्ह दिख रहा है, वो होता है इस मीटर को 90 डिग्री पे ही अपने को उपयोग में लेना है। तीसरी बात, अपन स्केल से भी इन मीटर को पहचान सकते हैं। हो सकता है किसी मीटर में ये चिन्ह अपने मिट भी गए हो। तो देखो दोस्तों, जो मूविंग आयरन मीटर होगा, ये मीटर देखिए आप, इसमें क्या है, इसकी स्केल से भी अपन इसको पहचान सकते हैं। स्केल शुरुआती स्थिति में क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, आगे हल्की सी छोटी स्थिति में आ रही है। यदि किसी मीटर की यदि स्केल समान नहीं आ रही है तो इसका मतलब है वो मूविंग आयरन मीटर है, और यदि जिस मीटर की स्केल समान आ रही है उसको अपन मूविंग कोयल मीटर बोलेंगे। किस काम के लिए आता है ये? धारा मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब अपन चल के देखते हैं मूविंग कोयल मीटर। जैसा कि ये और उस मीटर में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे एक तो इसकी स्केल में आ रहा है, देखिए एक तो एम्पियर मीटर है, यहाँ पे डीसी का चिन्ह भी है। सबसे बड़ी पकड़ तो ये होगी, फिर भी ये नहीं आए, देख लो इसकी स्केल और बिल्कुल सेम है शुरू से लेकर अंत तक। दूसरी चीज, यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं, देख लो ये मूविंग कोयल का मीटर का चिन्ह है। जैसा कि मैंने इस मीटर में आपको बताया था कि ये चिन्ह जो लगा हुआ है वो कौन से मीटर का है? मूविंग आयरन का है, और ये मूविंग कोयल का है। ये मीटर की सबसे बड़ी पहचान अपन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक सिंपली ट्रिक है।